श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे सतयुग के बारे में। चार प्रसिद्ध युगों में सतयुग या कृत युग प्रथम माना गया है। यदि प्राचीनतम वैदिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग त्रेता युग यदि युगा विभाग का निर्देश स्पष्टतया उपलब्ध नहीं होता है, तथापि स्मृतियों एवं विशिष्ट पुराणों में चार युगों का सविस्तार प्रतिपादन मिलता है। सतयुग का जो विवरण है वो मैं आपको बता देता हूं। इन शॉर्ट, ये वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया पक्षिया अक्षय तृतीया को इस युग की उत्पत्ति हुई थी। इसका परिमाण 17,28,000 वर्ष है। इस युग में भगवान के मत्स्य, कुर्म, वराह और नृसिंह ये चार अवतार हुए थे। इस काल में स्वर्णमय व्यवहार पात्रों की प्रचुरता थी। मनुष्य अत्यंत दीर्घाकृति एवं अति दीर्घ आयु वाले होते थे, मतलब उनकी जो हाइट वगैरह जो होती थी वो काफी लंबे लंबे होते थे और उनकी जो आयु भी थी वो भी बहुत ज्यादा होती थी, 300 वर्ष, 400 वर्ष। इस युग का प्रधान तीर्थ कुरुक्षेत्र था। इस युग में ज्ञान, ध्यान और तप का प्राधान्यता था। प्रत्येक प्रजा पुरुषार्थ सिद्धि कर कृतकृत्य होती थी, अतः यह कृत युग कहलाता था। धर्म चतुष्पाद था, मतलब सर्वथा पूर्ण था। मनु का धर्म शास्त्र इस युग में एकमात्र अवलंबनीय शास्त्र था। महाभारत में इस युग के विषय में यह विशिष्ट मत मिलता है कि कलयुग के बाद कल्कि द्वारा इस युग की पुनः स्थापना होगी और इस युग के धर्म का वर्ण दृष्टव्य होगा। ब्रह्मा का एक दिवस 10,000 भागों में बटा होता है जिसे चरण कहते हैं। अभी जो मेन चार युग हैं वह है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जो है वो 17,28,000 वर्ष का है। फिर है त्रेता युग, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है और द्वापर युग है 8,64,000 वर्ष पूर्व का और कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। तो धन्यवाद, ये मैंने आपको युग के बारे में बताया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।